देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, प्रश्नावली 13.2, क्वेश्चन नंबर चार। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर, तो रोलर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 84/2, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, रोलर जानते हैं आप लोग, जो रोडे बनाने को समतल कर बनाने का काम करता है ना, रोड को, मैदान को, वो रोलर कहलाता है। और लंबाई 120 सेंटीमीटर। रोलर की लंबाई कितनी है? 120। अब एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। एक मैदान को समतल करने के लिए रोलर आ गया, अब उस पूरे को समतल करने में उसको कितने चक्कर लग रहे हैं? 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। तो उस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा अपने को, मीटर स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? पहले तो रोलर का एक चक्कर में कितना एरिया कवर करता हूं, एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल कवर करता है मैदान का, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो। अब रोलर का जो कौन सा भाग है वो क्षेत्रफल कवर करेगा? ये वाला वक्रपथ। तो रोलर का हमें क्या निकालना, पहले कर्व सरफेस एरिया CSA वक्रपथ निकालना है, फिर उसको 500 से गुणा कर देना है, वो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और फिर 100 × 100 का भाग देके मीटर स्क्वायर में आप बदल दो। ठीक है, तो देखिए रोलर का CSA या रोलर द्वारा एक चक्कर में समतल किए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πRh। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का? 2πRh। तो 2 × 22/7 r कितना है? 42, और ये 120। चौवालीस को 6 से गुणा करो, 6×6=24 हासिल की 2, 6×24=2, 26, 264 × 120। 264 को 120 से गुणा करो, 0 × 48 हासिल की 4, 72 और 4 76 हासिल की 7, 12 × 24, 24 और 7 31। तो कितना आ गया? 31,680 सेंटीमीटर² आ गया। रोलर के द्वारा एक चक्कर लगाने में इतना मैदान का 31,680 सेंटीमीटर² भाग जो है, जब इस मैदान को समतल करता है, इतने भाग को समतल, एक चक्कर। अब तो मैदान को पूरा समतल करने में 500 चक्कर लगाने पड़ रहे हैं उसको, अतः मैदान को पूरा समतल करने में 31,680 एक चक्कर की, जितने चक्कर लगाए उसे गुणा कर दो, 8×5=40 हासिल की 4, 8×6=48 और 4×52 हासिल की 5।
एक जीरो, दो जीरो और तीन जीरो, पांच को गुणा करो, आठ आठ पंजे चालीस का जीरो हासिल की चार, पांच एंगा तीस, तीस और चार चौतीस हासिल की तीन, पांच एंग पांच और तीन आठ और पांच थी पंद्रह सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब वो मैदान का भाग किसमें पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, अतः मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या होगा, 100 इंटू हंड्रेड, 100 इंटू 100 का भाग दे दो, बटे 100 इंटू 100, दो जीरो से दो जीरो ये कट गई, तो कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। तो मैदान का क्षेत्रफल कितना आ गया 1584 मीटर स्क्वायर। मैदान का कितना क्षेत्रफल आ गया 1584 मीटर स्क्वायर आ गया। सर नोट करें, रुको भी और क्वेश्चन बता दे, एक और फिर करना। पांचवा प्रश्न देखिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 मीटर है, 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर के दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करो। बेलनाकार स्तंभ का व्यास कितना है 50 सेंटीमीटर, तो बेलनाकार स्तंभ की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर। अब मीटर स्क्वायर पूछ रहा है तो इसको क्या हो जाएगा 0.25 मीटर, 100 का भाग देंगे मीटर बदलने के लिए तो 0.25 मीटर होगी, और ऊंचाई ऊंचाई कितनी है 3.5 मीटर। तो वक्र पृष्ठ पर कलर करवाना है उसका खर्चा पूछ रहा है, तो पहले तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, सीएस 2πRH 2×22/7 × 25 × 3.5 0.5 आ गया, मल्टीप्लाई करो 22 × 44 × 44 को 0.25 से गुणा करो 0.25 × 0.5 पचम 25 हासिल की 1, 5 × 10 रे 10 × 2 = 12 सॉरी 125 हो गया, तीन संख्या बाद में तो 0.125 आ गया, 0.125 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 44 से, चार पंजे 20 हासिल की 2, 4 × 2 = 8 और 2 × 10 हासिल की 1, 4 × 1 = 9 यार, तो 9.90 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ये तो आ गया उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कितना आ गया 9.90 मीटर स्क्वायर। अब दर क्या है उसकी 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर से, अब देखिए 12.50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट का खर्चा, इसको गुणा कर दो 9.90 × 12.5 मल्टीप्लाई करो 0.045 हासिल की 4, 9 × 2 = 18 और 4 = 22 हासिल की 2 और 9 × 1 = 2 = 11 5, 7, 3, 2, 1 4 संख्या बाद
तो कितना आ गया 123.75 रुपए आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है 123.75 मल्टीप्लाई में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दोबारा देखते हैं इसको। यहां दोबारा से देखिए 44 को अपन इससे गुणा करेंगे 0.125 से, तो 5.5 आएगा। गुणा करने में अपने थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है ना। कितना आएगा 5.5 आएगा। अब 5.5 मीटर स्क्वायर को गुणा कर दो इससे, 5.5 मल्टीप्लाई करो, 0 5 25 हासिल की 2, 5 × 10 = 2 = 12 हासिल की 1, 5 × 5 = 6, 0 5 2 0 5 7 8 6 तीन संख्या बाद में पॉइंट लगे तो 68.75 रुपए। तो कितना आ गया 68.75 रुपए आंसर आ गया। इस प्रकार से इसको हल करेंगे, नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबवर्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। लंबवर्तीय बेलन का CS 4.4 मीटर स्क्वायर और आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करो, हाइट हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए बेलन का CSA 4.4 मीटर स्क्वायर, CSA क्या हो गया 2πRH 4.4, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है 0.7 इंटू एच ज्ञात करना अपने को 4.4 है। 0.7 में 7 का भाग देंगे 0.1 आ गया, 22 को 2 से गुणा 44, 44 को 0.1 से करेंगे तो 4.4 एच बराबर 4.4, तो एच बराबर 4.4 में 4.4 का भाग देंगे कितना आ गया 1, तो एच बराबर कितना आ गया 1 मीटर आ गया। तो उसकी हाइट कितनी आ गई 1 मीटर, लंबवर्तीय बेलन की हाइट कितनी आ गई 1 मीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, किसी वृत्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर, कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पॉइंट हटा दो 35/10 हो जाएगा और बटे में 2 लगेगा, ये 2 × 10 तो कितना हो गया 7/4 मीटर। कितना आ गया 7/4 मीटर आ गया त्रिज्या और गहराई 10 मीटर। तो प्रश्न नंबर वो क्या कर रहा है, कुएं का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुएं का आंतरिक CSA पृष्ठीय क्षेत्रफल वही 2πRH 22/7 इंटू आर कितना है 7/4 इंटू ऊंचाई कितनी है 10, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया,
ग्यारह, ग्यारह को दस से गुणा करेंगे तो 110 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो कितना आ गया, 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्या कह रहा है वो, 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कलर करवाने का, 40 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से आंतरिक पृष्ठ पर रंग करवाने का खर्चा, तो क्या होगा, जितना क्षेत्रफल है उसको 40 से गुणा कर दो, तो 110 इंटू 40 44,000 रुपए आंसर आ गया। कितना आ गया, 44,000 रुपए। नोट करो, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है, गर्म पानी द्वारा गर्म रखने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है, इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ होगा। तो क्या करना है आपको, लंबाई यानी ऊंचाई तो आ जाएगी 28 मीटर, व्यास 5 सेंटीमीटर है तो इसको भी आप मीटर में बदलेंगे, ठीक है ना, और फिर वही कौन सा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो गर्मी कौन दे रहा है, उसमें गर्म कहाँ होगा, पाइप के अंदर जो पानी रहेगा वही गर्म होगा ना, इसलिए वक्र पृष्ठ वाला भाग आप इसमें ज्ञात करेंगे, वही वक्र पृष्ठ का। चलो नवा याद कीजिए, एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर और ऊंचाई इतनी है, बंद टंकी का, और इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा, यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया। चालू करें क्वेश्चन नंबर 9। 9 का प्रश्न कह रहा है, बेलनाकार पेट्रोल की टंकी का व्यास 4.2 मीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, 4.2/2 2.1 मीटर आ गया, त्रिज्या कितनी हो गई 2.1, और इसकी ऊंचाई 4.5 मीटर। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना अपने को, क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, बेलनाकार टंकी का CSA 2πRH 2×22/7, R कितना है 2.1×4.03 आ गया। 44 को 3 से गुणा करें, 4×3=12 हासिल की 1, 4×3=12 और 1 13 13.2 × 4.5 को 4.5 से गुणा करो, 5×2=10 हासिल की 1, 5×3=15 116 हासिल की 1, 5×5=6 4×2=8 3×4=12 4×1=5 0 8×6=14 8×1=9=5 59.40 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या आ गया, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 59.4 मीटर स्क्वायर आ गया। अब क्या पूछ रहा है वो, दूसरे में किसको बनाने में, टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगा होगा, तो टंकी में बनाने में लगा कुल इस्पात, अब ये तो 59.4 मीटर, ये इतना तो लग ही गया, अब उसका क्या हो गया, 1/12 भाग, कुल इस्पात का 1/12 भाग क्या हो गया, नष्ट भी हो गया, क्या हो गया,
एक बटे बारह भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो क्या करें, एक बटे बारह भाग तो 59.40 मीटर तो शेष रह गया, एक बटा बारह भाग उसका नष्ट हो गया, उसके बाद ये रहा शेष, तो एक बटा बारह भाग उसका प्लस करेंगे उसमें से, करेंगे नहीं करेंगे, कुल इस्पात का एक बटे बारह भाग बनाने में नाश्ते हो गए। कैसे करेंगे इसको देखिए, क्योंकि माना कुल इस्पात एक्स मीटर स्क्वायर है, कितना है एक्स मीटर स्क्वायर, तो पहले कितना नष्ट हुआ या बारह भाग नष्ट हुआ तो उसको क्या मान लेंगे, सो मान लेंगे, सो मीटर स्क्वायर मान लो। कि माना क्योंकि नहीं, बारह भाग नष्ट हुआ ना,